आज नारद मुनि का बर्थडे है। आज शिवास पंडित, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। तो श्रीवास आदि श्रीवास पंडित, आज उनका आविर्भाव दिवस है। और श्रीवास पंडित कौन है? नारद, स्वयं नारद मुनि, गौर कर्णदेश दीपिका जो कि कवि कर्णपूर्ण दास जी द्वारा द्वारा लिखी गई है। तो उसमें नारद मुनि, स्वयं नारद मुनि को ही मतलब श्रीवास पंडित को ही नारद मुनि बताया गया। और श्रीवास पंडित कौन थे? तो वैसे तो यहाँ तस्वीर में हमें मतलब हम देख सकते हैं यहाँ चैतन्य पंचतत्व की जो यहाँ पर जो हम ऑल्टरनेट तस्वीर है तो उसमें हम देख सकते हैं कि शिवास पंडित काफ़ी यंग लग रहे हैं। तो एक्चुअली उनका हेड शेव है, पर वो एक्चुअली वो मेरे जगन्नाथ मिश्र के फ्रेंड थे। और तो चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने मतलब शिवास पंडित और मालिनी देवी, तो उनकी पत्नी थी मालिनी देवी, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को मतलब एक पुत्र की तरह उन्होंने पाला हुआ। और तो इसलिए मतलब काफ़ी वृद्ध थे मतलब ये पॉइंट तो श्रीवास पंडित। पर श्रीवास पंडित के बारे में हमें क्यों जानना है? श्रीवास पंडित मतलब स्वयं श्रीवास पंडित कौन है? वैसे तो नारद मुनि, और नारद मुनि तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण नहीं अन्य। और साथ में कौन है? नित्यानंद और अद्वैत आचार्य। तो नित्यानंद प्रभु कौन है? स्वयं बलराम जी। और अद्वैत आचार्य कौन है? स्वयं महाविष्णु और सदाशिव के अंश हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को महाप्रभु कहा जाता है, और नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य को प्रभु कहा जाता है ना। ये तीनों क्या हैं? विष्णु तत्व। और दूसरी तरफ गदाधर पंडित, हाँ राधा रानी, भगवान की अंतरंगा शक्ति है राधा रानी, राधा रानी के अवतार है। और श्रीवास पंडित तो नारद मुनि, और नारद मुनि जीव तत्व है एक्चुअली। तो वो भक्त आख्या, वो प्योर डिवोटी एक भक्त के रूप में है। मतलब एक तरफ विष्णु तत्व है, एक तरफ भगवान की अंतरंगा शक्ति है, और यहाँ पर पांचवें कौन है? जीव तत्व। अब प्रश्न यह है कि जीव तत्व को भगवान के ऑल्टर में क्यों रखा हुआ है? और हम तो उनकी पूजा कर रहे हैं, बल्कि पंचतत्व को एक तत्व माना गया। एक तत्व मतलब एक कैटेगरी में रखा गया। वैसे तो जीव तत्व तो हम ऑल्टर में नहीं रखते ना, या गुरु परंपरा को हम नीचे रखते हैं, पर ये जीव तत्व ऊपर क्यों है? और हम इनको साक्षात भगवान ही मांग रहे हैं। और भागवत में भी आप पढ़ेंगे तो नारद मुनि को क्या बोला गया है? भगवान अपी, स्वयं व्यासदेव भी नारद मुनि को भगवान कह रहे हैं। तो कैसे जीव तत्व कैसे पहुंच गए वहां पर? या उनको भगवान से अभिन्न नहीं माना जाता, अभिन्न माना जाता है, मतलब भिन्न नहीं माना जाता। तो इसलिए भगवान के भक्त एक्चुअली भगवान से अलग नहीं होते भगवान के भक्त। और बल्कि आध्यात्मिक जगत में वास्तव में जीव तत्व वहां पर क्यों है? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में मास्टर मास्टर नहीं है और सेवक सेवक नहीं है। जैसे अर्जुन, तो भगवान तो स्वयं अर्जुन का रथ चला रहे हैं, तो भगवान भक्त से नीचे पोजीशन ले लेते हैं। ये आध्यात्मिक जगत है। हालांकि भगवान भगवान है और जीव तत्व जीव तत्व है, पर फिर भी भगवान जीव मतलब जीव तत्व से भी नीचे पोजीशन ले लेते हैं। ये आध्यात्मिक जगत। इस संसार में हमें लगता है कि मास्टर मास्टर है, सर्वेंट सर्वेंट है, या हमें दास बनना अच्छा नहीं लगता, किसी की बात सुनना अच्छा नहीं लगता, कोई हमें डांट दे तो हम तो तुरंत नाराज हो जाते हैं नहीं, और हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है।
पर आध्यात्मिक जगत ऐसा है ही नहीं। इसलिए ये दिखाता है कि वास्तव में जब हमें हमें हमारे अहंकार को चोट लगना जब बंद होगा तब हम हमें वहां पर प्रवेश मिलेगा। जब तक हमारे अहंकार को चोट लगती रहेगी, जब तक हम बुरा मनाते रहेंगे, तब तक हम नहीं जा रहे हैं। और जिस दिन हमारे अंदर ये गुण आ जाएगा कि हमें भक्तों की, वरिष्ठ भक्तों की डांट सुनना अच्छा लगेगा, तो उस दिन भगवान कहेंगे हाँ अब तुम मेरे धाम आ सकते हो, अब मैं तुम्हारे लिए झुकने के लिए तैयार। और श्रीवास पंडित वहां पर क्यों हैं? क्योंकि श्रीवास पंडित ने अपने जीवन से करके दिखाया। क्या करके दिखाया उन्होंने? बल्कि श्रीवास पंडित, तो श्रीवास पंडित का श्रीवास आंगन, जब आप जाएंगे मायापुर में तो वहां पर श्रीवास आंगन है, जहां पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था वहीं से कुछ ही दूरी पर वहां पर श्रीवास आंगन है। और श्रीवास आंगन बहुत फेमस है। श्रीवास आंगन क्यों फेमस है? आंगन यानी कि कोर्टयार्ड। तो श्रीवास आंगन क्यों फेमस है? हाँ, महाप्रभु ने उनको, उनके आंगन को चूज किया था कि मैं उनके आंगन में नृत्य करूंगा। और सारे, बल्कि सभी वहां पर जितने भी भक्त थे सब एकत्रित होते थे और उनके आंगन में कीर्तन करते थे। बाहर के जो नागरिक थे उनको वहां पर अलाउड नहीं था, पूरी रात कीर्तन चलता था। तो हालांकि अब प्रश्न ये उठता है कि श्रीवास आंगन ही क्यों, या श्रीवास आचार्य, श्रीवास पंडित ने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या किया उन्होंने कि भगवान ने उनका आंगन चूज किया? यही हमें हमें यही शिक्षा लेनी है ना, कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा क्या कर दिया कि वो भगवान के प्रिय बन गए? क्या किया उन्होंने? हाँ, बेटे के साथ आसक्ति छोड़ी। तो एक बहुत फेमस इंसिडेंट है जो कि एक्चुअली वो आप सारे ग्रंथों को एक तरफ रख दीजिए, सारे ग्रंथ, आप पूरे सारे ग्रंथ एक तरफ रख दीजिए और भक्तों का जीवन एक तरफ रख दीजिए, तो भक्तों के जीवन से आप सारे ग्रंथ समझ सकते हैं। और भक्तों के जीवन से भी नहीं, एक इंसिडेंट से ही हम समझ सकते हैं कि भक्ति क्या है। तो श्रीवास पंडित एक बार चैतन्य महाप्रभु इसी तरह उनके आंगन में कीर्तन कर रहे थे रात में, और तो श्रीवास पंडित है तो उनका, उनके बेटों में से एक बेटे की तबीयत उनकी काफ़ी, वो काफ़ी बीमार थे और वो अंदर घर के अंदर कमरे में अन्य माताएं उन्हें घेर कर बैठी थी। पर कीर्तन के दौरान जब बहुत एक्स्टैटिक कीर्तन चल रहा था चैतन्य महाप्रभु का और श्रीवास पंडित भी उस कीर्तन में शामिल थे बाहर आंगन में, उस समय घर के भीतर विलाप की आवाज आने लगी और एकदम से तो श्रीवास पंडित थोड़े मतलब वो एकदम से अंदर गए और उन्होंने देखा कि ये आवाज क्यों आ रही है। अंदर जाकर उन्होंने क्या देखा कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। तो उन्होंने समझाया, उन्होंने वहां पर तो मालिनी देवी और अन्य सभी संबंधियों को समझाया, देखो तुम सब तो कृष्ण के भक्त हो, और बल्कि कि अभी, बल्कि जिन कृष्ण की हम पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, वही साक्षात कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में हमारे आंगन में कीर्तन कर रहे हैं। और अगर साक्षात भगवान ही मौजूद हैं और भगवान का कीर्तन हो रहा है और उस समय अगर हमारे पुत्र ने अगर शरीर छोड़ा तो इससे बेहतर उसकी गति और क्या हो सकती है? तो इसलिए तुम्हारे रोने की आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए और महाप्रभु का कीर्तन, महाप्रभु के कीर्तन में विघ्न नहीं आना चाहिए। तो श्रीवास पंडित ने दिखाया कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे कुछ सुख हो, चाहे दुख हो, जो भी कोई कष्ट भी हो, पर हमारे जीवन से भगवान को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। इसको कहते हैं भक्ति, या भगवान के कीर्तन में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। हमारे यहाँ उल्टा है कि हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कष्ट है, भगवान आप उसको दूर कर दीजिए, हम अपने कष्ट उनके पास लेके जा रहे हैं। श्रीवास पंडित ने अपने जीवन से दिखाया कि हमें अपने कष्ट भगवान के पास नहीं लेके जाना, हमें अपने कष्टों से भगवान को डिस्टर्ब नहीं करना। तो इसको कहते हैं कि शुद्ध भक्ति।
और इसलिए बल्कि यहाँ तक तो इसलिए तो वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में लिख रहे हैं, तो वो लिख रहे हैं कि क्योंकि श्रीवास पंडित की भक्ति इतनी शुद्ध थी, इसीलिए उनके घर के अन्य सदस्य और बल्कि उनके घर के नौकर चाकर, उन्होंने भी चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए। वो इतने शुद्ध भक्त थे। उनके घर में एक एक सर्वेंट थी, उसका नाम था दुखी। वो चैतन्य महाप्रभु के लिए रोज गंगा सिरे स्नान के लिए जल लेकर आती थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि ये कौन है, तो श्रीवास पंडित ने बताया कि इसका नाम दुखी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला आज से इसका नाम सुखी है। तो भगवान अगर चाहें तो हमारे जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, बल्कि चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को एक वरदान दिया था, और जो कि भक्ति का निष्कर्ष है। चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को वरदान दिया था कि क्या वरदान दिया था, किसको पता है? उन्होंने उन्होंने बोला था कि घर में कभी, उनके घर में, श्रीवास पंडित के घर में कभी भी, हालांकि वो गृहस्थ थे और कोई काम नहीं करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बोला कि तुम बाहर जाकर काम तो करो भाई, कुछ अपने घर के लिए कुछ कमाओ तो सही। तो श्रीवास पंडित ने बोला कि मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं 3 बार ताली बजाऊंगा, अगर पहली बार कोई मुझे दे दे तो ठीक है, अगर मैं नहीं, पहली बार नहीं दे, दूसरी बार दे तो तब भी ठीक है, तीसरी बार में अगर कोई नहीं देगा तो मैं गंगा पे कूद जाऊंगा। मेरा इतना विश्वास है, मतलब उनके कहने का मतलब था, मेरा इतना दृढ़ विश्वास है कि आप मेरा पालन कर रहे हैं। और इसलिए उन्होंने बोला कि अगर तीसरी बार में मुझे नहीं मिलेगा मैं कूद जाऊंगा। तो तब चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे घर में, ये ट्रिक है, उन्होंने बोला कि तुम्हारे घर में राशन की कभी कमी नहीं होगी। नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने बोला तुम्हारे घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। और चैतन्य महाप्रभु ने क्यों बोला तुम्हारे घर में कभी गरीबी नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारे पास हमेशा कुछ ना कुछ सामग्री होगी, राशन की बात नहीं हो रही। चैतन्य महाप्रभु ने बोला तुम्हारे घर में हमेशा इतना तो जरूर होगा कि तुम मेरी पूजा कर सको, मेरी उपासना कर सको। तो एक भक्त के घर में भगवान की उपासना करने के लिए कभी कमी नहीं होगी, ये चैतन्य महाप्रभु का वरदान। भक्त को राशन थोड़ी चाहिए, है ना? अगर ये वरदान होता कि उसको राशन देने, तो भक्त का राशन क्या है? भक्त का राशन भी भगवान के लिए, है ना? संत तुकाराम भी तो अपने जीवन से ही दिखा रहे, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद भी दिखा रहे, इसलिए श्रीवास पंडित वहां पर है, भगवान के साथ में, और हम उनकी पूजा कर रहे हैं। हालांकि जीवित होता नारद मुनि अपने पूरा जीवन क्या कर रहे हैं, नारायण नारायण, वो अपना घर भी नहीं बसाते, क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान का नाम लेने से मैं वंचित हो जाऊंगा। तो हालांकि श्रीवास पंडित एक गृहस्थ थे, और चैतन्य महाप्रभु के अन्य, मतलब नित्यानंद प्रभु ने भी मैरिज की, अद्वैत आचार्य भी गृहस्थ थे, तो इन्होंने अपने जीवन से दिखाया कि गृहस्थ जीवन में भी कैसे भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और वास्तव में भगवान के लिए कभी भी व्यक्ति गरीब नहीं होता। एक भक्त का जीवन ही यही है कि उसके पास जो है उसको भगवान की सेवा में लगा। ये मैसेज है श्रीवास पंडित का। इसलिए श्रीवास पंडित, उनके जीवन से हमें एक ही इंसिडेंट, और बल्कि उनके जीवन में जब दुख आया तो उन्होंने उस दुख को भी सुख में परिवर्तित कर दिया, है ना? और हालांकि चैतन्य महाप्रभु ने जब वो उनका कीर्तन खत्म हुआ, रात के 12 बजे उनका कीर्तन खत्म हुआ, तो उन्होंने जब विराम दिया तो वो उन्होंने पूछा श्रीवास पंडित से कि आज मुझे कीर्तन में इतना आनंद क्यों नहीं आ रहा। तब भी उन्होंने, श्रीवास पंडित ने क्या कहा कि महाप्रभु, जहां पर साक्षात आप स्वयं आप प्रस्तुत है, आप प्रकट ही हैं, और जहां आपका कीर्तन हो रहा है वहां पर कोई अपशगुन हो ही नहीं सकता। मतलब उनको एक विश्वास था कि मेरा पुत्र की मृत्यु भी अपशगुन नहीं है, और उन्होंने बताया भी नहीं। तब अन्य भक्तों ने बताया कि इनके पुत्र की
मृत्यु हो गई। और चैतन्य महाप्रभु जब अंदर गए, कमरे के अंदर गए, उन्होंने उस बालक को छुआ तो वो जीवित उठा। वो जीवित उठा तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि भाई तुम ये शरीर छोड़कर क्यों चले गए? तो उस बालक ने क्या कहा कि सब एक आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, आपने मुझे जितना समय यहां पर रहने के लिए दिया था उतना मैं रह लिया, अब आप मुझे जाने के लिए कह रहे थे मैं चला गया, है ना। और चैतन्य महाप्रभु ने ये भी वरदान, मतलब ऐसा भी नहीं कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको जिंदा कर दिया क्योंकि उस बालक ने कहा कि अब मेरे जाने का समय आ गया, अब तो मैं चला। तो ऐसा नहीं कि भक्त के जीवन में, मतलब वो अगर कोई दुख है तो वो भगवान उसको पलट देंगे, वो परिस्थिति ही, वो दुख की परिस्थिति ही सुख है एक भक्त के लिए, उसे अन्य कुछ चाहिए ही नहीं। श्रीवास पंडित ने यह भी नहीं बोला कि मेरे पुत्र का जीवन आप वापस, बल्कि चैतन्य महाप्रभु ने तो उसको जीवन दे ही दिया था, वो उठ ही गया था, मृत्यु से वापस आ चुका था, पर फिर भगवान की ही इच्छा से वो अपने गति को प्राप्त हुआ। और श्रीवास पंडित को जरा भी दुख नहीं था। तो भक्त के जीवन में भक्त को विश्वास होना चाहिए कि भगवान उसका जीवन चला रहे हैं और हर उसकी वस्तु भगवान की सेवा के लिए। और ये वरदान चैतन्य महाप्रभु ने दिया है कि जो इस तरह मेरी भक्ति करेगा उसके घर में कभी भी गरीबी नहीं होगी, वो हमेशा मेरी, उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ होगा जो मेरी, जिससे वो मेरी, मेरा गुणगान कर सके, है ना। तो ये वरदान भक्त को चाहिए। भक्त को क्या वरदान? भक्त को वस्तु नहीं चाहिए, भक्त को ये विश्वास चाहिए कि मेरे अंदर ये विश्वास हो कि भगवान मेरा जीवन चला रहे। तो भक्त को कोई, भक्त कोई वस्तु नहीं मांगता। स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरम न याचे। ध्रुव महाराज भी ये कह रहे हैं कि आपके दर्शन हो गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये उनके जीवन से हमें सीखना है और इसलिए हम उनका गुणगान करते हैं, तब भगवान ऐसे भक्त को चूज करते हैं अपना गुणगान करने के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न तो नहीं? हाँ वो चला गया, वो यही तो कह रहे हैं कि आपने मुझे जितना समय यहाँ पर रहने के लिए दिया था तो उतने समय मैं यहाँ पर था। और पॉइंट ये है ना कि हमें लग रहा है कि इस संसार में, हालांकि वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु स्वयं थे ही, तो वो चाहते तो वहाँ पर रह ही सकते थे, पर मतलब वैसे तो आचार्य डिस्कस कर रहे हैं और ये भी आता है कि वो भगवान के एक आचार्य लिख रहे हैं कि वो साक्षात चैतन्य महाप्रभु तो वहाँ पर भगवान ही मौजूद थे, तो उनको तो वहाँ से जाना नहीं चाहिए था। पर पहली बात तो यह है कि उन्होंने इस लीला से भगवान का गुणगान कर दिया, है ना। अगर ये लीला नहीं होती तो हम कैसे रिलिस्ट करते। दूसरी बात है कि भगवान की इच्छा थी तभी हुआ। भक्त को विश्वास होता है कि जो उसके जीवन में, चाहे मृत्यु ही उसके परिवार में क्यों ना आ जाए, वो भी भगवान की इच्छा से, तो वो दुख दुखी नहीं है। जब तो इसलिए तो हम आचार्य, जो आचार्य जब शरीर छोड़ते हैं तो हम खुश होते हैं क्योंकि भगवान के धाम गए। इसलिए एक आचार्य लिख रहे हैं कि वो एक्चुअली उनका जो पुत्र है भगवान के दूसरी लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ऐसा नहीं है, भक्त तो हमेशा भगवान के, मतलब वो तो साक्षात भगवान के दर्शन ही कर रहे हैं, जिनको भगवान ने छू ही लिया तो वो तो भगवान से अलग ही नहीं है ना। हमें लग रहा है कि देखो उसको संसार में रहना चाहिए था, क्योंकि हम नीचे से देख रहे हैं ना। वो तो हमेशा भगवान के साथ ही है, यहाँ पर भी भगवान के साथ है, वहां पर भी दूसरे जन्म में भी भगवान की लीला में ही होंगे वो। तभी तो भगवान इनको चूज कर रहे हैं। हमारी इच्छा होती है कि हम रुक जाएं, हम डरते हैं कि वो ऐसा कह देगा, मेरे परिवार में देखो वो है, मैं ये कर दूंगा तो क्या होगा, मेरे को वो क्या कहेंगे। भगवान के भक्त निडर होते हैं, अभय होते हैं। उनको जब भगवान की सेवा करनी होती है तो वो किसी से पूछते थोड़ी है हम पूछ पूछ के चलते हैं, अपने बारे में नहीं पूछ के चलते, भगवान के बारे में पूछ के चलते हैं।
कभी उनसे पूछेंगे तब करेंगे, उनसे पूछेंगे तब उनकी सेवा करेंगे। भगवान के भक्त अपने आप में अभय हो गए, उनको तो अवसर मिलना चाहिए, वो भगवान की सेवा के लिए तत्पर हो गए, है ना। इतना अच्छा गुणगान उन्होंने तभी तो किया, तो भगवान की ही प्लानिंग है। भगवान श्रीवास पंडित का गुणगान करना चाह रहे हैं ना, भगवान अपने भक्त को ग्लोरीफाई करते हैं, तब फिर भक्त भक्त भी भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, भगवान अपने भक्त को ग्लोरीफाई करते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।